नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 242 के बारे में। पार्ट नंबर 242 यानी कि 242, ठीक है। और जिस पॉइंट पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो पॉइंट है हमारा एसटी मेरिडियन का 45 नंबर, यानी कि अंतिम बिंदु है हमारा एसटी मेरिडियन का, ठीक है। और ये हमारा मेटल जो पॉइंट है, ठीक है, मेटल पॉइंट है यानी कि धातु, धातु यानी कि जिसे हम आकाश तत्व भी बोलते हैं, ठीक है, आकाश तत्व, ठीक है, स्काई भी से हम बोलते हैं स्काई, ठीक है, आकाश यानी स्काई मेटल, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया स्काई आकाश धातु तत्व का, ठीक है। तो अब दोस्तों इसकी पहले हम लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिंगर्स की ही लोकेशन बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें फिंगर्स की ही लोकेशन की जरूरत है, इसमें हमें पूरे पैर की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से अब ये हो गया हमारा राइट और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा कहां पड़ेगा, ये हमारी जो फिंगर है इसका थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं। ये जो पॉइंट है हमारा, ये नेल के बिल्कुल नेल के पास पड़ेगा, फर्स्ट फिंगर के नेल के बिल्कुल कॉर्नर पे, ये इस तरह से नेल के बिल्कुल कॉर्नर पे हमारा पॉइंट पड़ेगा, इस जगह पे ये हमारा पॉइंट होगा ST45, ये हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। नेल थंब की फिंगर के पास, जो फर्स्ट फिंगर है हमारी उसके नेल के बिल्कुल पास, ठीक है, ये हमारा इस तरफ किनारे पे, अंगूठे की तरफ नहीं पड़ेगा, इस तरफ नहीं पड़ेगा, यहां तरफ पड़ेगा फिंगर की तरफ, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इसके फायदे हैं वो हम जान लेते हैं, ठीक है। नंबर वन, अगर किसी को पेट से संबंधित समस्या हो, मान लो किसी को अगर लूज मोशन लगे हुए हैं, दस्त अगर लगे हुए हैं, तो उसमें आपको ये फायदा करेगा, ठीक है, दस्त लगना, ठीक है, दस्त लगना, ठीक है, उसमें आपको ये बेनिफिट देगा। नंबर दो, अगर पेट में किसी को अल्सर हो जाए, ठीक है, अमाशय में अल्सर, पेट में अल्सर हो जाए, पेट में अल्सर, उसमें आपको बेनिफिट देगा, ठीक है, पेट में अगर किसी को अल्सर हो जाए। नंबर तीन, अगर किसी की भूख अचानक से कम या ज्यादा हो जाए, उसमें आपको बेनिफिट देगा, ठीक है, भूख अचानक कम या ज्यादा हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों चीजों में दोस्तों अगर आपको ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए आपके पास बेस्ट पॉइंट है ST45, ठीक है, मेटल पॉइंट है हमारा ST45 जो पॉइंट है। अब इसका आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट के लिए देख लेते हैं, क्योंकि फिंगर में पॉइंट है, थोड़ा सेंसिटिव पार्ट भी है, तो ये जो हमारी स्टील प्रोब है इससे आपको ट्रीटमेंट करना है, ये वाली साइड से कर सकते हैं, जो हमारी बिल्कुल बारीक वाली साइड है, थोड़ी मोटी साइड है, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, बाकी बारीक वाली से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इस पॉइंट पे आप 15 से 20 सेकंड के लिए, 25-30 सेकंड के हल्का हल्का प्रेस करेंगे, इसे एक्टिवेट करेंगे, हील करेंगे, इसके लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ये करने के बाद हम इसे हर एक घंटे में, 2 घंटे में 3 घंटे में इस अपने ट्रीटमेंट को रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ इससे प्रेस करना है हल्का हल्का, थोड़ा पेन अगर वहां पे फील होगा तो इसका मतलब हमारे पॉइंट की लोकेशन सही है, ठीक है, इसका मतलब काम कर रहा है, हमारी थेरेपी हम कर रहे हैं, हल्का पॉइंट फील होना चाहिए, वहां पे पता चलना चाहिए, अराउंड जो एरिया में थोड़ा बहुत देखोगे वहां वैसा पेन नहीं होगा, यहाँ पे आपको एकदम से पिन पॉइंट मिलेगा, चुभन जैसी होगी, दर्द होगा बहुत अच्छा, तो वो आपका एग्जैक्ट इसका मतलब पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, हर घंटे में 2 घंटे में आप ट्रीटमेंट रिपीट कर सकते हैं। अब दिन में आपने ट्रीटमेंट कर लिया, अब रात में कैसे करेंगे, रात में जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, इस तरह की स्टार मैग्नेट लेंगे अपने पेपर टेप में, ठीक है, स्टार मैग्नेट लेंगे पेपर टेप में, तो क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है ST45, इस पॉइंट पर लगा देंगे रात को, शाम को सोते हुए, और सुबह रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है इसमें आपको, ये फिंगर में हमें ऐसे, जैसे मान लो नेल के पास लगाया, तो ऐसे फोल्ड करके लगानी है, ठीक है, यहां तो ऐसे में लगा नहीं सकता, तो फिंगर में आपको, जैसे अंगूठे के पास वाली फिंगर है, इसमें मान लो यहां पे पॉइंट हुआ, तो यहां पे ऐसे लपेट के लगा देना आपको, ठीक है। अब इसको आप, अगर आपको लगता है कि चुभ रही है मुझे, क्योंकि थोड़ी नुकीली होती है, ठीक है, नुकीलीदार इसकी चोट होती है, अगर ये चुभ रही है आपको, तो आप इसकी जगह मेथी दाना भी लगा सकते हैं,
इसे हटा के आप मेथी दाना लगा सकते हैं, इसे लगा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको ठीक लगे वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ट्रीटमेंट करना है, पॉइंट की लोकेशन को देखना है, इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टमक का जो है लास्ट पॉइंट था। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन का नेचर जानेंगे, उसका टाइम, मंथ, एलिमेंट, एनर्जी, टोटल पॉइंट, हॉररी पॉइंट, उसका कलर, ये सारी चीजें विस्तार से जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई पॉइंट के साथ।